हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि KVS का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग इस धोखे में हैं और या फिर हम कह सकते हैं इस कंफ्यूजन में है कि शायद इजी आएगा, शायद मॉडरेट आएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आएगा। तो जो 80% लोग हैं ना, उनका ये मानना है कि जो KVS का पेपर है वो ईजी आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ PRT लेवल को ही पढ़ाना है और पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, जो कि इस तरीके से किया गया है कि जो हमें 5th क्लास तक को पढ़ाना है वो सारा सिलेबस हमें आना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, हमें इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ना कि कोई CTET है या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सिर्फ हमें पास करना है। यहाँ पर हमें कम्पीट करना है। तो इस धोखे में तो बिल्कुल मत रहना कि KVS का पेपर बिल्कुल आसान आने वाला है, क्योंकि जब भी एक पेपर को बनाया जाता है तो उसमें अप्रोक्स 30% पेपर ईजी रहता है, बाकी का लगभग हम कह सकते हैं 50% जो पेपर होता है वो मॉडरेट रहता है, लेकिन जो 20% पेपर है वो हार्ड रहता है। और एक बात और, जो इस 20% को कर लेता है ना अच्छे से, वही पेपर में हमेशा कम्पीट कर पाता है, क्योंकि जो मॉडरेट और इजी लेवल होता है वो 80% स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन जो 20% स्टूडेंट उस 20% हार्ड लेवल को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, वही पेपर में कम्पीट कर पाते हैं। सबसे पहले ना, जो KVS का पुराना पैटर्न था उसके अंदर मैथ्स पेपरों का बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि 20% का था और थोड़ा हार्ड लेवल भी था। तो इस बार हमारे पास ये बेनिफिट है कि जो मैथ्स का लेवल है वो ईजी कर दिया गया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फोबिया स्टूडेंट्स में रहता है वो मैथ्स को लेके ही रहता है। तो इस बार हमारे पास एक तो ये बेनिफिट है, साथ में ही हमें ये नहीं सोचना है कि 5th क्लास तक की NCERT पढ़नी है, कम से कम हमें 10th क्लास तक की NCERT पढ़नी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 8th क्लास तक की तो बिल्कुल मतलब घोल कर पी लीजिए। और मेरे हिसाब से ना, आप सारी बुक्स पढ़िए, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ना वो कहीं से भी आ सकता है, जो हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन सब की बुक्स में मिल जाता है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरी शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। क्योंकि मेरे मन में ना बस ये सवाल आया जब मैं अपने बेबी को सुला रही थी कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट होंगे, मेरे मन में भी डाउट थे, लेकिन मतलब जो मेरे कोचिंग वाले सर हैं उन्होंने भी, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग हैं KV में जो पहले से सेलेक्टेड हैं, मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि कोई पेपर का लेवल ईजी नहीं आने वाला, बेशक से सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया हो। तो मेरी तो यही बात मानिए, तो आप जो मॉडरेट लेवल है कम से कम वो तो प्रिपेयर कर ही लीजिए, थोड़ा बहुत हार्ड लेकर भी चलिए पेपर को। तो चलिए अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।